नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज की का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम पूर्व क्षत्रिय वंशावली की पूरी व्याख्या करेंगे और ये व्याख्या भारत के साहित्य पर और यहाँ के इतिहास पर पूरी तरह से प्रमाणित होगा, क्योंकि जो व्याख्या हम पूर्व क्षत्रिय वंशावली की अब इस सीरीज में प्रारंभ कर रहे हैं वो पूरी तरह से वेद पुराण और रघुवंशम से लेकर के मैंने उसको पूरी तरह से कंपाइल किया है और आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से पूर्व क्षत्रिय वंश अपने आप को पहचान सकेंगे और वो जान सकेंगे कि इतिहास में उनका स्थान कितना पुराना और कितना श्रेष्ठ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वैद्य मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी टीम को ऊर्जा देता है और नए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारा भारतीय इतिहास और भारतीय विज्ञान काफी धनाढ्य रहा है, इसको किसी और के मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है जहां से हम मानव के विकास क्रम का एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे वेद पुराण में मानव के विकास को किस प्रकार बताया गया है। तो सबसे पहले काल विभाजन पर अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे सृष्टि के काल को चार भागों में बांटकर रख दिया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन वहां पर हर युग में एक मनु नाम का वर्णन मिलेगा जिनको महाराज मनु कहा जाता है। महाराजा मनु से ही बाकी के सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि महाराज मनु ने जल प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। तो जाहिर है यदि वैदिक क्षत्रिय इतने प्राचीन हैं तो निश्चित रूप से मनु का उनका कोई संबंध अवश्य रहा होगा। तो चलिए जानते हैं महाराज मनु के बारे में। अगर आप शास्त्रों में देखें तो आपको बहुत सारे नाम मनु, मनु, वैवस्वत मनु इस प्रकार मिलेंगे, लेकिन जिस मनु की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ वो जल प्रलय के बाद के वैवस्वत मनु की बात करूंगा, जहाँ से इस पूरी सृष्टि जिसमें वृक्ष, इंसान, जानवर, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, मतलब सब कुछ के उत्पत्ति के बारे में उसी वैवस्वत मनु को कारक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वैवस्वत मनु कौन थे। महाराजा मनु बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। एक बार वो एक नदी में नहाने गए और वहां पर जब वो नदी में नहा रहे थे उसी वक्त उनको एक छोटी मछली वहां पर मिलती है और वो उनसे प्रार्थना करती है कि कृपया उसे आश्रय दे दें अपने जल कमंडल में, क्योंकि शीघ्र ही जल प्रलय होने वाला है। अब महाराज मनु को, यानी कि अगर हम वैज्ञानिकता से सोचें तो उस समय यानी कि कलयुग से पूर्व के समय में हमारे यहाँ के इंसान जो है वो जानवरों से भी बात कर सकते थे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि उनकी भाषा, अगर आप सतयुग के बारे में सोचें तो भाषा का इतना विकास नहीं रहा होगा, उस वक्त सांकेतिक भाषाएं चलती नहीं होंगी, तो मानव का मस्तिष्क सांकेतिक भाषाओं पे अभ्यास करता रहा होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशु पक्षी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य सांकेतिक भाषा का भी ज्ञान रखने लगा था। तो महाराजा मनु को जब उस मछली ने कहा कि उसे आश्रय दे दें, तो महाराज ने उसे अपने जल कमंडल में आश्रय दे दिया और उसकी पूरी बात सुनी कि शीघ्र ही पृथ्वी पर जल प्रलय आएगा और सब कुछ विनाश हो जाएगा। लेकिन उस मछली ने कहा कि आप मुझे अपने महल ले चले, मैं आपको आगे की जानकारी देती रहूंगी। मछली को लेकर महाराजा मनु अपने महल आते। एक दो दिन बीतने के पश्चात वो देखते हैं कि वो मछली का जो रूप है वो काफी बड़ा हो गया, उसका साइज बढ़ रहा है। अब वो जल कमंडल में अच्छे से नहीं रह सकती, उसके जीने के लिए जितना जल चाहिए, जितनी जगह चाहिए, वो उस कमंडल में अब बाकी नहीं रह गई है। महाराजा मनु परेशान होते हैं और उसको जल्द ही बड़े पात्र में स्थापित कर देते हैं, यानी कि मछली को एक बड़े पात्र में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार कई पात्र बदले जाते हैं लेकिन उस मछली का आकार लगातार निरंतर बढ़ता ही रहता है। इस प्रकार महाराज मनु लास्ट में, मतलब
बड़े से बड़े पात्र लाए जाते हैं, उसमें मछली को डाला जाता है, फिर अगले दिन वो मछली और बड़ी हो जाती है। इस प्रकार महाराजा मनु लास्ट में उस मछली से कहते हैं कि मैं आपको आश्रय नहीं दे सकता, क्योंकि आपका जो साइज है वो काफी बड़ा हो चुका है, आपका रूप काफी विशाल है, क्यों ना मैं आपको जल नदी। फिर वो मछली कहती है कि मैं आपको प्रलय के बाद अवश्य मिलूंगी और आपसे हमारी चर्चा होती रहेगी, लेकिन उससे पहले आप एक कार्य करिए। अब दोस्तों अगर आप देखें तो भारत के साहित्य से निकालकर बहुत से बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज बनाई गई और वो सुपर डुपर हिट रही हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो अब कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 2012 एक मूवी आई थी 2012, अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी जल प्रलय के समय एक बहुत बड़ा नाव बनाया जाता है और सभी स्पीसीज के कुछ न कुछ यूनिट्स वहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कहानी कहाँ से प्रेरित हुई, ये कहानी हमारे शास्त्रों से ली गई, उसी प्रकार महाराजा मनु की कहानी है। मछली कहती है कि आप एक बड़ी नाव का तैयार करिए और पूरी सृष्टि के सभी प्रजातियों का संकलन करके उस नाव पर रखिए ताकि प्रलय के बाद ये सृष्टि आराम से चल सके। दोस्तों यही से कूर्म क्षत्रिय वर्ण का जो है इतिहास शुरू हो जाता है, क्योंकि कूर्म क्षत्रिय वंशावली बहुत ही पुरानी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस इतिहास को मैं कई पार्ट में आपके साथ प्रदर्शित करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको आगे की भी कहानी पता चलती रहेगी और आपको ये पता चल जाएगा कि कूर्म क्षत्रिय वंशज कहाँ कहाँ थे और आज भारत में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ भी इतिहास है वो हमारा अपना इतिहास है। तो दोस्तों फिर चलते हैं उस मछली और महाराजा के बीच के जो संवाद हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर मछली को नदी में ले जाके छोड़ दिया जाता है। महाराजा धीरे धीरे अपनी नाव पे सारी प्रजातियों को इकट्ठा करते हैं और जैसा कि मछली ने कहा था वैसा ही हुआ और महाराज जल प्रलय आ गया। महाराज उस नौका पर अकेले सवार हो जाते हैं और वो मछली आती है, उनको मिलती है और उसे बताती है कि मैंने कहा था कि शीघ्र ही जल प्रलय होने वाला है, और ऐसा कहते ही महाराज उसको प्रणाम करते हैं और उससे उसका परिचय पूछते हैं। आगे की कहानी अगले आने वाले वीडियोस में मिलेगी कि किस प्रकार उस मछली से क्या संवाद हुआ और उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति और रचना कैसे हुई, फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था, फिर सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद पूर्व क्षत्रिय का जो है पूरे देश में किस तरह से विघटन हुआ और वो जगह जगह पर जाकर बस गए। इस अगली सीरीज में हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद।